जय जय श्री राम। ये देखो भाई, ये है आज़ाद मैदान, यानी जहाँ से भारत के कप्तान श्री रोहित शर्मा जी खेल कर निकले थे और आज इंडिया को वर्ल्ड कप लाकर दे दिया। 2007 के बाद 2024 में इंडिया के पास T20 वर्ल्ड कप आया और ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है भाई हर इंडियंस के लिए। और हम लोग अभी जा रहे हैं भाई CST उतर के भाई चर्च गेट जा रहे हैं पैदल, इस वजह से क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड है ना, वो आप क्राउड ना अभी देख लो भाई। ट्रेन में हूँ, घाट के ऊपर पहुँचा हूँ, जैसे स्टेशन में पहुँची वैसे ही भाई नारे लगने लगे भारत माता की जय। और यहाँ पर ना देखो इंडिया के टी शर्ट, यहाँ देखो रोहित शर्मा भाई पहना है रोहित शर्मा के नाम का टी शर्ट, बट दिखता पूरा हार्दिक पांड्या जैसा है। तो अभी भाई मैं अमित के साथ जाने वाला था, हम लोग 25-30 लोग थे बट लेट हो गया, वो मैं आपको बताया ना। ये देखो ये शुभम है साथ में, बहुत लास्ट टाइम दगड़ी चांद में जब मिले थे हम लोग तब का है। और ये आकाश, इसको ही इसका वेट कर रहा था मैं भाई। अभी देखो मैं आपको दिखा दूँ, यार भीड़ लग रहा ना, आपको लग रहा है यहाँ पर कोई भी नहीं है ना, सब यहाँ पर बहुत पब्लिक जा रही है भाई। चर्च गेट उसका प्रूफ कैसे मिलेगा भाई, फटाक से नारे लगा दो भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। अरे मुंबई का राजा रोहित शर्मा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। देखा भाई बहुत भीड़ है, अमित का कॉल आया था कि चर्च गेट में खड़े होने को जगह नहीं हो रही है। तो भाई देखा ना, ये हाल था ट्रेन का, और जैसे जैसे लेट होगा ना भाई और ज़्यादा गर्दी बढ़ती जाएगी। आज भाई रोड शो भी है, आकाश संभल के, नहीं तो गिरेगा तो आज ब्लॉक कट भी नहीं होएगा। आजाद मैदान में रोड बनाओ यार, अबे उधर से चल भाई, उधर से चलो, वो भी लंगड़ी खेल रहा है, इधर से आ, इधर से आ, इधर से आ, इधर से आ। भाई मुंबई वानखेड़े में आज फ्री एंट्री थी जो कि ख़त्म हो चुकी भाई, भर चुका पूरा स्टेडियम। जा रहे भाई जुगाड़ करने, कहीं से देखने मिल जाए भाई, कहीं से हमको स्टेडियम में एंट्री मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो फिर देखते भाई क्या करते हैं। रोड शो रहेगा, रोड शो कवर करेंगे। गर्दी देख लो भाई, गर्दी, पुलिस वाले बेचारे क्या करे, इतना सब कुछ करते बट फिर भी इनके हाथ में कंट्रोल करना भाई इतने लोगों, बहुत मुश्किल है। आया क्राउड देख लो, ये वही है मरीन ड्राइव, चर्च गेट स्टेशन से बाहर निकलते और फिर यहाँ पर हम लोग जाते हैं सामने मरीन ड्राइव पे। इतना ज्यादा क्राउड देख रहे हो आप, मजे में गाइस। ऐसी भीड़ में ना मत आया करो भाई, अगर स्टेबल नहीं हो पाओगे ना तो मत आया करो। देख रहे हो वहां पे लोग कंटिन्यू गिरे जा रहे हैं, ये देख रहे हो क्या करती है भाई। बहुत ज्यादा सेफ हूं मैं भाई, कार के ऊपर खड़ा हूँ, बच्चे लोग इधर पे, कितने लोग बिचारे देख रहे हो, इनका हालत देख रहे हो कैसा हो गया। भाई आप क्राउड देखो, ये मरीन ड्राइव है भाई, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ ये देखो, हूँ कहाँ पे खड़ा मैं, मेरे आजू बाजू क्राउड देख रहे हो। अरे गाड़ी वाला बड़ा दुष्ट है यार, बहुत झटका मार रहा है, पर ये क्राउड देखो कहाँ कहाँ पब्लिक चढ़ी है। वो रहा वो बस दादी। तो भाई ये क्राउड इतना गंदा भरा हुआ है, जब तक ये बस नहीं जाएगी तब तक वो आएंगे नहीं। देखो चैंपियंस 2007 स्टार, 2024 स्टार। आ
बस भाई अब यहाँ से नीचे उतरता हूँ, बाय बाय बाय। कि बहुत ऊपर हूँ भाई, मैं बहुत ऊपर एक लौटा आया हूँ। ये सब देख रहे हो यहाँ पर, वेट कर रहे भाई, बस गई है, लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे रोड पर, इतना ज़्यादा क्राउड है ना। और टाइम क्या था, 5 बजे का, 5 बजे का टाइम था। अभी टाइम देखोगे क्या हुआ है, 6:52, 7 बज गया। मैं जिसके साथ आया था भाई सब गायब हो गए, मैं अकेले आगे निकल गया, बाकी सब गायब, सब पीछे रह गए। मैं तो आया भाई आगे पेड़ वेड़ पे, अरे कार वीर पे चढ़ा था थोड़ा बहुत, मैं अकेले नहीं चढ़ा, बहुत लोग चढ़े अंकल, हाँ ऐसा मत करना मेरे साथ कुछ भी, केस जैसा लफड़ा। ये देखो इधर भी कितने लोग चढ़े, और ये सब जो घर है ना भाई, वो जो घर है ना भाई ऊपर, घर वाले ना पानियाँ फेंक रहे हैं भाई, पानी के बॉटल भाई, बहुत अच्छा है भाई इनका घर है, कुछ तो काम आया, पानी पिला रहे सबको। भाई भीड़ देखो अब, ये यहाँ से एंट्री है गेट नंबर 3 का, शायद वानखेड़े का, बट ये एंट्री गेट है, मेन 3 नंबर है ना, यहाँ से देखो मेन गेट नंबर 3 का एंट्री, और यहाँ पे ये गर्दी देखो भाई, पुलिस से बिल्कुल हैंडल नहीं हो रही है। ये बीच में जगह बार बार बना रहे कि बस क्रॉस होएगी, बट हो ही नहीं रहा भाई। और भाई मेरे को एक जगह मिल गई है मस्त से खड़े हुए, देखो एक जन के पैर में चोट आया था, ये कांच है ना, कांच, ये कांच घुस रहा है, ये कांच जो दिख रहा है आपको, अच्छा है भाई। शूज वगैरह पहन के आने का भाई, कभी भी सब फंक्शन रहे। इधर देखो वो देखो, बहुत ज्यादा गर्दी है भाई, जब तक ये लेडीज का भी ना, अरे ये सब भीड़ में नहीं आना चाहिए लेडीज लोग को, ये सब भीड़ में ना नहीं आने का लेडीज लोग को कभी। भाई फाइनली आ चुकी है बस, कसम क्या गर्दी हुई गाइस, फोन देखो कितने निकले फोन, ये भाई जड़ेजा क्या कर रहे हो,
सामने कसम इतने आ गए इधर। अरे ऋषभ फाइनली करेंगे आज का ब्लॉग एंड। और बहुत इंतज़ार किए भाई, बस एक ही एम था, आया हो तो देख के ही जाऊंगा, और फिर ये मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। जितना अच्छा हुआ ना उससे ज़्यादा बुरा भी हुआ यहाँ पर काफ़ी कुछ। इतनी गर्दी में पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया, ऊपर से लोग भी एक दूसरे के ऊपर गए, कितने लोगों का फ़ोन चोरी हुआ, काफ़ी कुछ सीन हुआ रहेगा। अभी टीम चली गई भाई स्टेडियम के अंदर और सब अब जा रहे घर पे, सब निकल रहे भाई अपने अपने घर। अरे भाई साहब यहाँ से एंट्री दे दो यार, निकल जाऊँ सीधा सीएसटी के लिए, इधर से बंद है। तो भाई ये मोमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब अब पता नहीं लाइफ में कब आएगा, हो सकता है फिर से आ जाए नेक्स्ट वर्ल्ड कप में ही, कुछ कह नहीं सकते। बट फिर भी भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा मोमेंट था। बस एक चीज़ के हार्दिक दादा एकदम शांत बैठे हुए थे, मालूम नहीं क्यों, मेरे को लगता है अभी भी वो जो भू का गुस्सा था अभी तक भी उनके दिमाग से निकला नहीं है। बट फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज का दिन। और मुंबई पुलिस भी भाई बहुत सपोर्ट की, नहीं करती उतना कुछ तो फिर और ज़्यादा पब्लिक चढ़ती। और 11 प्लेयर्स है भाई, 11 नहीं 15 प्लेयर इंडिया के, ऊपर से सिलेक्टर कोच हेड सबका भाई सिक्योरिटी का वो भी रहना चाहिए था, इस वजह से इतना कुछ हुआ। बस मैं आ गया भाई स्टेशन और मेरे साथ जितने थे सब अलग हो गए, कौन किधर गया मालूम नहीं। आकाश का फ़ोन ऑफ हो गया, अमित से बात हुई, पहुंचा सीएसटी, शुभम निकल गया भाई दादर, मांग रहे वीडियो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आप कमेंट करके बताओ। वो चले गया घर, भाग गया, और मैं पूरा रुक के शूट किया, अमित पूरा रुक के शूट किया, तो बताओ भाई वीडियो देना चाहिए कि नहीं किसी को। तो बस भाई ख़त्म कर दो अपना आज का ब्लॉग वीडियो एंड नीचे कमेंट करो भारत माता की जय, और इंडिया नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीतेगा फिर से, ये भी कमेंट मारो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।